नारियों को सम्मान करते हुए और महिला दिवस को सम्मान करते हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का भाषण तैयार किया गया है। नारी, यह कोई सामान्य शब्द नहीं बल्कि एक ऐसा सम्मान है जिसे देवत्व प्राप्त है। नारियों का स्थान वैदिक काल से ही देव तुल्य है, इसलिए नारियों की तुलना देवी देवताओं और भगवान से की जाती है। जब भी घर में बेटी का जन्म होता है तब यही कहा जाता है कि घर में लक्ष्मी आई है। जब घर में नवविवाहित बहू आती है तब भी उसकी तुलना लक्ष्मी के आगमन से की जाती है। क्या कभी आपने कभी सुना है बेटे के जन्म कर ऐसी तुलना की गई हो कि घर में कुबेर आए हैं या विष्णु का जन्म हुआ है? नहीं, यह सम्मान केवल नारी को प्राप्त है जो कि वेदों पुराणों से चला आ रहा है, जिसे आज के समाज ने नारी को वह सम्मान नहीं दिया जो जन्म जन्मांतर से नारियों को प्राप्त है। हमेशा ही नारियों को कमजोर कहा जाता है और उन्हें घर में खाना बनाकर पालन पोषण करने वाली कहा जाता है। उसे जन्म देने वाली एक अबला नारी के रूप में देखा जाता है और यह कहा जाता है कि नारी को शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं, जबकि जिस भगवान को समाज पूजता है वहां नारी का स्थान भिन्न है। माँ सरस्वती जो विद्या की देवी है वो भी एक नारी है और यह समाज नारी को ही शिक्षा के योग्य नहीं समझता। माँ दुर्गा जिसने राक्षसों का वध करने के लिए जन्म लिया वह भी एक नारी है और यह समाज नारी को अबला समझता है। कहाँ से यह समाज नारी के लिए अबला, बेचारी जैसे शब्द लाता है एवं नारी को शिक्षा के योग्य नहीं मानता, जबकि किसी पुराण किसी वेद में नारी की वह स्थिति नहीं जो इस समाज ने नारी के लिए तय की है। ऐसे में जरूरत है महिलाओं को अपनी शक्ति समझने की और एक होकर एक दूसरे के साथ खड़े होकर स्वयं को वह सम्मान दिलाने की जो वास्तव में नारी के लिए बना है। विमेन डे प्रति वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन आज जो औरत की हालत है वो किसी से नहीं छिपी है और ये हाल केवल भारत का नहीं पूरी दुनिया का है, जहां नारी को उसका औदा नहीं मिला है। एक दिन उसके नाम कर देने से कर्तव्य पूरा नहीं होता। आज के समय में नारी को उसके अस्तित्व एवं अस्मिता के लिए प्रतिपल लड़ना पड़ता है। यह एक शर्मनाक बात है कि आज हमारे देश में बेटी बचाओ जैसी योजनाएं हैं। आज घर में बेटी को जन्म देने के लिए सरकार द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। क्या बेटियां ऐसा जीवन सोचकर आती हैं जहां उसके माँ बाप केवल एक डर के कारण उसे जीवन देते हैं? समाज के नियमों ने समाज में कन्या के स्थान को कमजोर किया है, जिन्हें अब बदलने की जरूरत है। आज तक जो हो रहा है उसे बदलने की जरूरत है, जिसके लिए सबसे पहले कन्या को जीवन और उसके बाद शिक्षा का अधिकार मिलना जरूरी है, तभी इस देश में महिला की स्थिति में सुधार आएगा। अगर एक आदमी को शिक्षित किया जाता है तब एक आदमी ही शिक्षित होता है, लेकिन जब एक औरत को शिक्षित किया जाता है तब एक पीढ़ी शिक्षित होती है। आपको स्पीच अच्छी लगी होगी और मेरा चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।